हे गाइस, मैं महेश आपका अपने यूट्यूब चैनल सिस्टेक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर एंड्रॉइड पी का जेस्चर यूज कर सकते हैं, वो भी बिना अपने मोबाइल को रूट किए हुए, और अपने मोबाइल को एक प्रीटी इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं एंड्रॉइड पी फीचर्स के साथ में। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा पिक्सल लॉन्चर, जो आपको HDA डेवलपर वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, आपको होम बटन पर क्लिक करना है और आप पिक्सल लॉन्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका एंड्रॉइड पी इंस्टॉल। इसके अलावा एंड्रॉइड पी के कुछ HD वॉलपेपर्स हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर एज अ वॉलपेपर उनको सेट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का जो लिंक है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर एंड्रॉइड पी वॉल्यूम स्लाइड बार कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, वहां से आपको क्लिक करना है और इस तरह से वेबसाइट से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड्रॉइड पी वॉल्यूम स्लाइडर का। डाउनलोड होने के बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को ओपन होने के बाद कुछ परमिशंस देनी होती है, वो आप इस तरह से अलाउ कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद आप जैसे ही वॉल्यूम की प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके वॉल्यूम नोटिफिकेशन एंड्रॉइड पी का जैसा दिखाई दे रहा है। अब चाहे आपका रिंगर वॉल्यूम, ब्लूटूथ वॉल्यूम या मीडिया वॉल्यूम, सभी तरह का वॉल्यूम नोटिफिकेशन चेंज हो चुका है एंड्रॉइड पी के जेस्चर के साथ में। दोस्तों, एंड्रॉइड पी में इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट एडिटर का ऑप्शन भी इनबिल्ड मिल जाता है। तो अगर आप ये फंक्शन भी अपने एंड्रॉइड फोन में चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है मार्कअप एप्लीकेशन, जिसको आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन बिल्कुल एंड्रॉइड पी फीचर्स के जैसे ही काम करता है। बस आप जब भी अपने फोन में कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसको आपको मार्कअप एडिटर के साथ में यूज करना होता है, और आप इस तरह से किसी भी चीज को कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, उस पर कुछ लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर क्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बोर हो गए हैं अपने फोन का रेगुलर डिफॉल्ट मेन्यू देख देख कर, तो आप इस छोटे से कस्टमाइजेशन के थ्रू अपने मोबाइल को एंड्रॉइड पी का लुक दे सकते हैं, जो देखने में काफी प्रीटी इम्प्रेसिव है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आप सिस्टेक के साथ हमेशा बने रहें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।